Our correspondent, Kumar Vikrant, has done a tic-tac with Pawan Khera. Congress Bahumat पाती हुई दिख रही है रुझानों में, तो जम्मू कश्मीर में बहुमत के करीब है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पवन खेड़ा मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया को देखते हैं। पवन जी, क्या कहेंगे, लाडू चलेगा या जलेबी चलेगी हरियाणा में? चलेंगे मोदी चूर चूर के लड्डू और जलेबी, फैक्ट्री में बनी हुई जलेबी मोदी जी को आज भिजवाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर को में थोड़ा सा लग रहा है कि बहुमत के करीब है आप लोग, लेकिन अभी आंकड़ा पार नहीं हुआ रुझान। पूरी तरह से पार होगा, हम क्लियर मेजोरिटी से, कंफर्टेबल मेजोरिटी से जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे। सर, ये किसकी जीत है और किसकी हार है? देखिए साहब, मोदी जी की सूरत जितनी बार अब दिखती है ना टीवी पर, लोग उतनी हमारी सीटें बढ़ा देते हैं, तो उनको श्रेय तो मैं दूंगा। और हमारी मेहनत, हमारा पॉजिटिव एजेंडा, हमारा नेतृत्व, हमारी मोहब्बत की दुकान, ये जीत उन सबकी है। राहुल गांधी ने लगातार आखिरी दिनों में काफी हरियाणा में प्रचार किया, जम्मू कश्मीर भी गए, राहुल गांधी का रोल कैसे देखते हैं? खड़गे साहब हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार किया और जो उनका संदेश था, उस संदेश का बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरियाणा में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस में कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस में बड़ी कश्मकश है, आपस में बहुत झगड़ा। हमारे यहाँ तो प्रक्रिया बनी हुई है, आज 138 साल पुरानी पार्टी में कभी कश्मकश होती है क्या? ये कश्मकश ये नौसिखियों में होती है, जो ये कभी जनसंघ हो जाते हैं, कभी बीजेपी हो जाते हैं, कभी जनता पार्टी हो जाते हैं, उनको अपना नाम ही नहीं मालूम है। आखिरी सवाल, जनता को क्या कहना चाहेंगे इन दोनों चुनाव के नतीजों को देखते हुए? आज जो जलेबी खा रहे हैं, 5 साल जलेबी ही खिलाएंगे, बढ़िया खिलाएंगे, मुंह मीठा ही रहेगा और खुश रहेंगे।